दूसरा दिन है, सुबह 9 बजे से पहली पारी की शुरुआत हुई है और 8 नवंबर यानी कि कल तीसरा चरण परीक्षा का चलेगा और प्रदेश में 581 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक परीक्षा होगी और 3 दिनों में 17 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जैसे मामला सामने आया फर्जीवाड़े का, फौरन और सतर्कता बढ़ गई है पुलिस की। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ नियम निर्देश बनाए गए, क्या कुछ कपड़े पहनकर आप आ सकते हैं, क्या क्या साजो सामान साथ ला सकते हैं, सभी की नियमावली तैयार की गई थी, उसके आधार पर परीक्षा करवाई जा रही है। आज दूसरा दिन है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की हम बात कर रहे हैं और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का और एक सघन चेकिंग का, ये तमाम वो बड़े चैलेंजेस हैं पुलिस के सामने, मेडिकल प्रशासन के सामने, क्योंकि कोविड संक्रमण से भी बचना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसकी पालना करनी होगी। तो इन सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है और परीक्षा जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ बाकायदा सैनिटाइज करके, चेकिंग करके, मास्क चेक करके ही अंदर एंट्री दी जा रही है। जो परीक्षा का समय है वो सुबह 9 बजे से है और 8:30 बजे तक अगर अंदर कोई दाखिल हो जाता है तो ठीक है, इसके बाद अगर कोई आता है तो उसको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल परीक्षा केंद्रों पे तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो माकूल नज़र आ रही, पुलिस की महिला जो टीम है वो नज़र आ रही, हथियारबंद जो पुलिसकर्मी हैं वो नज़र आ रहे हैं, महिला अभ्यर्थियों की जो चेकिंग है वो महिला पुलिस कर रही है। इसके साथ ही जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कल ही राजधानी में एक बड़े ग्रोह का पर्दाफाश किया गया है, बिहार का ये ग्रोह बताया जा रहा है जो कि राजधानी में आया था अभ्यर्थियों से पैसे लेके, करौली और भरतपुर जिले के जो अभ्यर्थी थे उनसे पैसे लिए गए और उनकी जगह संभवतः परीक्षा देने जैसा जो मामला है उनका दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। तो इन तमाम प्रकरणों के बीच में आज जो परीक्षा का दूसरा दिन है जो कि 2 पारियों में आयोजित की जाएगी वो सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगी। सहयोगी मनीष के साथ आशुतोष शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।